अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बचिया। आज मैं तकरीबन एक महीने के बाद वीडियो बना रही हूं, क्योंकि एक महीने से मैं सब बीमार थी। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने आई हूं। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूं शावरमा। तो शावरमा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। ये मैंने 1/2 kg चिकन बोनलेस ली है, ये दही है, ये 1 tablespoon सोया सॉस है, ये 1 tablespoon सिरका है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 tablespoon, ये चिल्ली सॉस है, और ये कुकिंग ऑयल है जो हम इसमें डालेंगे, और ये मसाले हैं। ये मैंने 1 teaspoon जो है वो चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये 1/2 teaspoon गरम मसाला है, ये थोड़ी सी जो है हल्दी ली है, 1/2 teaspoon मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और कुटी वो काली मिर्चें ली हैं, 1/2 teaspoon जो है मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और ये नमक है हसबे ज़ायका। हम ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बिल्कुल इसका जायका वैसे ही होगा जैसे फूड स्ट्रीट पे हमारे यहाँ होता है शॉर्मे का। इसमें हम सारे मसाले लगाकर इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये रेस्ट करेगा उस वक्त तक हम जो है सॉस बना लेंगे शॉर्मे के। चलें जनाब, अच्छा हम इसके इस्तेमाल होगा जो सलाद। तो ये मैंने खीरा इस तरह लंबाई में काटा है, और ये ठंडे पानी में जो है नमक और ये सिरका डाल के हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसे भी खीरे को इसमें चाहें तो आप गाजर वगैरह और जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे गाजर का तो आजकल सीज़न है नहीं, तो मैं सिर्फ खीरा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जी अब ये शॉर्मे के ये सॉस बनाएंगे हम। एक वाइट सॉस होगा और एक रेड। तो वाइट सॉस बनाने के लिए जो है ये मैंने 3 tablespoon मायोनीज लिया है, ये 3 जवे लहसुन के हैं, इसमें ये 1/2 teaspoon काली मिर्चें जाएंगी, सिरका 1 tablespoon, और ये मेन इंग्रेडिएंट्स तिल। और जनाब इसमें जाएगा ओरिगानो, और थोड़ा सा नमक, और इसके में तेल भी डालेंगे। अच्छा ये
हो गया। अब ये रेड सॉस बनाने के लिए लहसुन लिया है मैंने, मैं थोड़ी सी प्याज डालूंगी और थोड़ी सी ये चिली फ्लेक्स, और ये हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ये सोया सॉस, और ये सिरका। अब इनको हम ब्लेंडर में डाल के सॉस तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जनाब, 2 घंटे हो गए, हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम पकाते हैं। तेल डालने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने इसमें तेल पहले से डाला हुआ है। सारा मसाला अच्छी तरह साफ कर लें। अब हम इसे ढक देते हैं। ये हमारी चिकन तैयार हो गई है, इसे बस थोड़ा सा और भूनना है। अब हम जनाब इसमें स्मोकी फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो हमको इसमें कोयला रखना होगा। ये ऊपर से हम तेल डालेंगे एक हाथ से, और एक हाथ से हम ढकना पकड़ेंगे ताकि धुआं हमारा जो है ज़ाया ना हो। चिकन भी तैयार हो गई है और ये ठंडी भी कर ली है मैंने। ये दोनों सॉस तैयार हैं, और ये हमारी ब्रेड है, इसे हम स्लो आंच पे सेकेंगे। अगर तवा ज़्यादा गर्म हुआ तो फिर ये इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये वाली सॉस जो है इसमें मिर्चें हैं तो ये मैं हल्का सा ही लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। ये वाइट सॉस है, ये हम लगा रहे हैं। इसके बाद इसमें चिकन रखेंगे। इसमें एक खीरा रखेंगे। अच्छा, सलाद में प्याज और बंद गोभी वगैरह भी लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ें बच्चे खाते नहीं, निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं रखी। आपका मर्ज़ी, आपकी जो आपको पसंद हो। मैं बाकी भी बना लूँ फिर दिखाती हूँ। ये हमारा शवारमा तैयार है वाइट सॉस और रेड सॉस के साथ। अब आप अपने घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको जो है मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब अपनी बच्चियों को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा कि मैं जल्द से जल्द दूसरी वीडियो लेकर आऊँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।